आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं आहुजा कंपनी के ATH-22 यानी आहुजा ट्रम्पेट हॉर्न की अनबॉक्सिंग। कुछ सामने से ऐसा है, 22 इंच का फ्रेम है सामने का, ये आहुजा लिखा है और ये ऐसा बॉक्स है जिसमें उसकी और बाकी जो सामान है इसके अंदर है। खोल लेते हैं इसको भी, अंदर पाइप वाइप जो भी सामान होता है सब इसी के अंदर है। पाइप तो मिल गया, और भी कुछ है? निकल, हैंडल, ये आ गया, हैंडल है, इसी में सब कुछ है। बहुत बढ़िया बनाया गया है कंपनी द्वारा, देख ही सकते हैं आप, क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है, हेवी भी है। अब मैं इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप से लगाना पड़ेगा इसको, देर आए दुरुस्त आए। यही चीज़ कंपनी को कम से कम 5 से 6 साल पहले निकाल देनी चाहिए थी, या फिर 10 साल पहले। एकदम मस्त वाला नट बोल्ट भी दिया गया है, न जल्दी घिसाएगा न जल्दी ख़राब होगा, ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ भी आप मान सकते हैं इसको, मतलब जंग वंग जल्दी नहीं लगेगा। बाकी तो अपने रखने ऊपर है, कैसे रखते हैं आप। इसको लगा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। ऐसे ढीला करना है सब कुछ, निकाल के एक साइड रख देना है, ये अलग से निकलेगा, और ये जो हिस्सा है ये पीछे से जाएगा, मतलब अंदर से ऐसा लगेगा। उसके बाद ये हैंडल का ये लगेगा, उसके बाद ये लगेगा, उसके बाद नट बोल्ट लगेगा। ये हो गया, हाँ ये ऐसा होगा। अब ये हो गया टाइट, प्लास से थोड़ा और टाइट कर देता हूँ, फिर उसके ऊपर का कवर लग जाएगा। ये हो गया, दूसरे साइड का भी सेम टू सेम वैसेज करना है। अगर आपको आहुजा के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो ये चोंगा भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसमें भी सेम वही करना है। ये हो गया, देखिए कैसे फंस गया है, अगर हाथ हटा भी देंगे ना तो भी वो फंसा रहेगा। देखिए हटा दिया, बाकी चोंगों में ऐसा नहीं होता, दोनों हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है, दिक्कत होती है ज़्यादा। इसमें मुझे दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा, फटाफट से हो गया टाइट। नट बोल्ट भी बराबर साइज के रहते हैं, आवाज़ भी अच्छी निकलेगी इसकी। मैं आगे आपको इसको यूनिट में चला के दिखा दूँगा। ये हो गया, इधर इसके नट बोल्ट भी बहुत अच्छे दिए हैं, थोड़ा पास से दिखाऊंगा, एक खोल के आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। कंपनी कोई चीज़ बनाती तो अच्छी ही बनाती है। ये देखिए एकदम झकास वाला है, ज़बरदस्त क्वालिटी का है नट बोल्ट भी इसका। फटाफट से सब खोल लेता हूँ, फिर इसको चोंगे में लगा दूँगा। पता नहीं बाकी लोग चोंगे में इसको कैसे लगाते हैं, मैं कुछ इस तरह से कैसे लगा देता हूँ। बस होल मैच कराना है और नट डालते जाना है। ये हो गया एक, ये दूसरा, और ये तीसरा। अब इसमें इसका बोल्ट लगा के टाइट कर देता हूँ। अब ये लगभग हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब बस इसको चला के दिखाऊंगा आपको कि इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है। बाकी इजी है इसको सिंगल हैंडेडली जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। बाकी नॉर्मल चोंगों में दिक्कत होती है,
मैं ये आहुजा का 40 वाट का यूनिट यूज़ करूँगा। फटाफट से इसको खोल के लगा देता हूँ और आपको चला के दिखा देता हूँ कि इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है। देखिएगा यूनिट पूरा बराबर बैठेगा वहाँ पे। ये टाइट हो चुका है, मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ कि यूनिट कैसा बैठा हुआ है। देखिए एकदम बराबर, कोई भी गैपिंग नहीं है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए एकदम बराबर यूनिट बैठ गया है और आवाज़ भी बढ़िया आएगी। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं, शुरू करते हैं। It's murder, go crazy, berserker, I killed it. It's murder, go crazy, berserker, I killed it. It's murder, go crazy, berserker, I killed it. It's murder, go crazy, berserker. I killed it. It's murder. It's murder. Go crazy, berserker.